तृणमूल कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेगी। लोकसभा में टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने यह जानकारी दी। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि हम नए संसद भवन का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन करने के विरोध में हैं। उधर कांग्रेस के सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस भी 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर सकती है। आपने कहा कि उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, हम इसका विरोध करते हैं। सीपीआई नेता डी राजा ने भी कहा कि उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होगी। इसके पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसका विरोध किया था। राहुल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इधर तमाम विपक्षी दल और कांग्रेस ने नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन की तारीख पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा 28 मई को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है, इसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।